दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जो अभी मतलब बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि मतलब उनका सिलेबस अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुआ, ये उनके दिमाग में आ रहा है कि लास्ट 40 डेज़ में हो सकता है कि नहीं सकता है, ठीक है। तो आज मैं इसका डिटेल से दूंगा, ठीक है। कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट करके एम्स दिल्ली पहुँच जाओगे, ठीक है। जितना आप कर सकते हो इन लास्ट 40 डेज़ में मैक्सिमम, ठीक है, उतना ही बताऊंगा, उसका एक परफेक्ट प्लान दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। और उसी तरह से आप अगर फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं कि इतने से इतने बजे तक ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मैं एक मतलब कॉमन टाइम टेबल दूंगा, वो आपके हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है। उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब उसमें 4 स्लॉट रहेंगे, ठीक है, बताऊँगा डिटेल्स में। हर स्लॉट 3 आवर का होगा और बीच में 1 आवर का गैप होगा, ठीक है। तो मान लो आप सुबह 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 7 से 10 बजे तक एक आपका स्लॉट होगा, फिर 10 से 11 आपका गैप रहेगा, फिर 11 से 2 बजे तक आपका नेक्स्ट स्लॉट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपका 4 स्लॉट रहेगा टोटल, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायोलॉजी के लिए, और लास्ट वाला आप एक्स्ट्रा रहेगा। इसमें आप क्या करोगे, इसमें मान लो कोई चैप्टर आपका अधूरा रह गया या फिर कोई टफ चैप्टर है उसको आप रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आप करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी रह गया उसको, मतलब एक्स्ट्रा जो आपकी चीज़ें बाकी रह गई वो आप उस 3 घंटे में करोगे, ठीक है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कब पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अगर सजेशन दूँ तो सुबह का टाइम आप बायोलॉजी के लिए रखना, ठीक है, क्योंकि तब माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप सुबह में ही फिजिक्स लेके बैठोगे तो आपका पूरा दिन का दिमाग ख़राब हो सकता है, ठीक है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बस सजेशन दिया। नेक्स्ट आता है आप चैप्टर्स को क्लासीफाई कर लो, ठीक है, जबकि इससे आपका मतलब रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। माइल्ड चैप्टर मतलब एकदम ईजी, उससे थोड़ा टफ कि बहुत ज़्यादा टफ, और ऐसे चैप्टर्स जो आपने अभी भी तक छुआ भी नहीं, ठीक है। तो अगर इसका नंबर कम है, ठीक है, मान लो 3 से 4 चैप्टर आपका बचा है, तो इसे आप 31 मार्च के अंदर ख़त्म कर लो, जैसे भी हो, ठीक है। आप मान लो यहाँ आपका वो जो एक्स्ट्रा स्लॉट दिया था उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हो। डेली 2 चैप्टर करने की कोशिश करो, ठीक है, आपके हिसाब से, तो 1 शॉट देखो और उसका PYQ, ठीक है, उसको रिवाइज कैसे करना है मैं बाद में बताऊँगा। तो ये 3 के हिसाब से अगर आप रिवाइज करोगे, ठीक है, तभी देखना आपके रिवाइज में एक मतलब एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि माइल्ड वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। मॉडरेट वाला चैप्टर आपको लगेगा कि ये जो है ये पॉइंट में मुझे रिवाइज करना है, और टफ में बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट की बात। मॉक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इन दोनों में से कोई एक टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है, आप ऑनलाइन देते होगे, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मैंने खुद ये वाला एडुकार्ड वाला यूज़ किया था लास्ट में, ठीक है। इसमें OMR के साथ आता है, तो इसमें आप क्या करो, इसमें यूनिट वाइज रहता है, ठीक है, यूनिट वाइज उन चैप्टर को आप रिवाइज करो, और डेली सेम टाइमिंग में 2 बजे से 5 बजे तक आप इनको मतलब OMR में अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी लिख ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो आपका OMR का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। OMR में देखिए, पहली बार अगर आप OMR में मार्क करेंगे, ठीक है, तो आपको जितना टाइम लगेगा, अगर आप बार बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम देते रहेंगे तो आपका टाइम बहुत कम होता जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और इससे ऊपर आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, एक एग्ज़ाम जैसा फील भी आ जाएगा, ठीक है। या आप जो माइल जो चैप्टर्स है मैंने अभी बोला, आप डेली अगर एवरेज में एक चैप्टर और एक दूसरे चैप्टर का हाफ यूज़ करोगे तो 10 दिन लगेगा। मॉडरेट चैप्टर डेली एक करके करोगे तो 10 दिन लगेगा, और टफ चैप्टर 7-8 चैप्टर होगा तो आपका 10 दिन में ये 7-8 चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे 30 डेज चला गया, और बाकी जितने डेज बचे हैं उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं ये प्रेफर करूँगा कि अप्रैल में आप सिर्फ रिवीजन करें जितना ज़्यादा हो सके, और फुल टेस्ट देते रहें। अप्रैल का एक अच्छा सा वीडियो मैं आपको डिटेल्स लाऊंगा, लास्ट महीने में मैंने कैसे फॉलो किया था, क्योंकि लास्ट महीने में आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है, सारे डिस्कस करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या यूज़ करना है। देखिए कुछ ज़्यादा फालतू की चीज़ें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में आपको NCERT एक बार जरूर रीडिंग देना है। देखिए कोई भी चैप्टर हो, नीट के लिए NCERT आपको रीडिंग देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट मतलब वो जो फॉर्मूला शीट वगैरह है वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज NCERT एग्जाम्पलर करके एक बुक आता है, आपको पता होगा। तो देखिए अगर आपका ये पास हार्ड कॉपी भी नहीं है, आप गूगल से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और PYQ जो रिलीवेंट है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी नहीं है, उनका PYQ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं, ठीक है, PYQ आपका एक PW का एक बुक आता है NCERT पंच करके, वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सेम ही है, NCERT नोट्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, और साथ में PYQ, और अगर आपके पास फिंगर टिप्स है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आज से स्टार्ट करो, अभी मतलब ज़्यादा सोचने से आपका उल्टा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला ऐसे फॉलो करते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट पर बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, ऑल द बेस्ट, करते रहो।